पिछोर में अनुविभागीय अधिकारी को कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन। ओलावृष्टि को लेकर पिछोर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई ग्रामों में मार्च माह में ओलावृष्टि होने से किसान की गेहूं, धनिया, सरसों की फसलों को अधिक मात्रा में क्षति हुई है, जिसका सर्वे पूर्ण होकर ग्रामों के प्रभावित कृषकों को आज दिनांक तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जिस कारण से कृषि परिवार आर्थिक एवं मानसिक स्थिति से परेशान है। जनपद उपाध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि ओला प्रभावित कृषकों को मुआवजा राशि वितरण हेतु निश्चित समय सीमा दिनांक तय किया जाए, जिससे कृषकों को मानसिक रूप से राहत मिल सके तथा तय सीमा के पश्चात अगर मुआवजा राशि का वितरण नहीं होता है तो आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। अनुरोध है कि अविलंब समय सीमा में ओला पीड़ित कृषकों को मुआवजा राशि वितरण कराने का कष्ट करें, जिससे कृषकों को राहत मिल सके। ज्ञापन देते समय पिछोर खनिया थाना के सभी कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। सर, आज कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है, ओलावृष्टि हुई, किसानों का जो नुकसान हुआ है मुआवजे को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो सभी का धन्यवाद। एक्चुअली आज ही मैंने ज्वाइन किया है। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूँ इसमें कि हमारे तरफ से जितना जल्दी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और EKYC का काम हो वो जल्दी से पूरा कर रहे हैं। एक निवेदन बाकी जनप्रतिनिधियों से भी है कि जो जो इसके हितग्राही हैं उनका आप अपने स्तर से EKYC जितना जल्दी करा देंगे उतना ही पेमेंट के संबंध में जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। सर, लगभग कब तक ये भुगतान होगा? देखिए, जैसा हमारे तहसीलदार ने मुझे अवगत कराया है, मुझे अभी प्रारंभिक जानकारी है इसकी कि हम डॉक्यूमेंट दस्तावेज संबंधी सारी प्रक्रियाएं एक हफ्ते के अंदर पूरा करेंगे। इसके अलावा जो पेमेंट की एक्चुअल बात है उसके लिए हो सकता है हमें भोपाल स्तर से एक सिंगल पेमेंट का निर्देश आएगा, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। आज आप सभी कांग्रेसी एकजुट होकर आए, पूरे पदाधिकारियों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है, किन मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ कहना है? मार्च के महीने में प्राकृतिक आपदा के रूप में ओलावृष्टि हुई थी इस क्षेत्र में, जिसमें पिछोर और खनिया थाना तहसील के लगभग 12-13 गांव की फसल नष्ट हो गई थी। गेहूं, सरसों, धनिया ये फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो हमने किसान के खेतों का अधिकारियों के साथ मौके पर सर्वे करवाया था। अधिकारियों ने उस समय आश्वासन दिया था कि अविलंब मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी किसान को एक रुपये नहीं दिया गया है। उसी आशय को लेकर SDM साहब को ज्ञापन दिया है कि किसानों का जो नुकसान हुआ था उसका शीघ्रता से मुआवजा दिलाया जाए, और अगर ऐसी टार मटोर प्रशासन करता रहा तो हम फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस आशय को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय के नाम।